सबसे पहला जो चीज आपको इंश्योर करना है कि आई थिंक सीयूईटी पेपर्स आपके 2018 से अवेलेबल हैं, तो 2018 से जो अवेलेबल क्वेश्चन पेपर्स हैं उसका सेक्शन बी जो 75 मार्क्स वाला पार्ट है उसको बहुत अच्छे से आपको करना है. ओके, 2018 टू 2023, ये 6 साल हो गए, तो ये 6 साल के सेक्शन बी बहुत अच्छे से आपको करना है. ये हो गया वन. सेकेंडली आपको करना है IGIDR का सैंपल पेपर, क्योंकि IGIDR इज नाउ अ पार्ट ऑफ CUET. ठीक है. नंबर तीन, JNU का आपको करना है, SSS और SIS का लास्ट के 5 साल, तो वो हो गए 2017 से लेकर 2021 तक के जो पेपर्स हैं वो आपको करने हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल. तो यहाँ पर हो गए आपके 6 पेपर, यहाँ पर हो गया आपका 1 पेपर, यहाँ पर हो गए आपके 10 पेपर SS एंड SIS को मिला के. करेक्ट. तो यहाँ पर तो 17 पेपर्स आपके हो ही गए हैं. ये अगर आपका हो चुका है, ये 17 पेपर पे अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो DSC का लगा लीजिए 5 साल, मतलब कि इसके बाद में आता है DSC का नंबर. ये मैं प्रायोरिटी वाइज ही लिखा हूँ, ये प्रायोरिटी वाइज है. यहाँ पर फिर नंबर 4 में आ जाएगा DSC 2018 से 2022, ये आ जाएगा नंबर 4 प्रायोरिटी पे. देखिए, लास्ट ईयर वॉज अ वेरी रश्ड काइंड ऑफ अ डिसीजन, जितना मैंने देखा था कि DSC बिकेम अ पार्ट ऑफ CUET इन अ वेरी सडन मैनर. ओके, ये साल DSC को एक्चुअल में पता है कि वो CUET का पार्ट है सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो DSC का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली पेपर में आना चाहिए थोड़ा ज्यादा, जैसा DSC के क्वेश्चंस थे अर्लियर ऑन. सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड व्हिच आई एम एक्चुअली टेलिंग यू कि DSC के लास्ट के 5 साल को बना लीजिए.